अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको क्रोशिया का एकदम ही इजी और सिंपल लेस बता रही हूँ, जो नए लोग हैं जिनको क्रोशिया चलाने भी नहीं आती है, इस्तेमाल करने नहीं आती है, वो भी ये बता सकते हैं। तो उसके लिए ये सिल्क धागा है, ये लेना है, कॉटन में भी बनता है और ये सिल्क है और ये क्रोशिया है 0.9 mm। तो मैं इससे आप लोगों को बताऊँगी। तो सबसे पहले हम दुपट्टा, स्लीव्स, कमीज, दामन जिस पे भी बनाना है उस पे बना सकते हैं। तो इस तरह से उंगली में हम धागे को लपेटेंगे और इस हाथ में क्रोशिया को इस तरह से एक गांठी यानी नॉट लगा लेंगे और इसे टाइट करेंगे और एक सिंपल सी चैन लेंगे। फिर जिस दुपट्टे पे हमें बनाना है या जिस कमीज़ पे या रुमाल पे बनाना है तो उसके फ्रंट साइड पे इस तरह से डाल के इसे निकालना है और तीन चैन लेना है, 1, 2, 3। तीन चैन लेने के बाद जहाँ पे ये झुक रहा है वापस वहीं पे डालना है, ज़्यादा दूर भी नहीं और ज़्यादा नज़दीक भी नहीं, वहाँ पे वापस क्रोशिया डालना है और सिंगल निकाल लेना इस तरह से। अब हम वापस तीन चैन लेंगे, 1, 2, 3। और तीन चैन लेने के बाद ये जो तीन चैन का गैप है इसमें डालना है और सिंगल बार इसे ट्रबल बनाना है। यानी अभी देखिए, एक इस तरह पहले हमने क्रोशिया को इस तरह से धागा मोड़ा, फिर इसमें ये जो गैप है इसमें डाल के 1, 2, इसे कहते हैं ट्रबल यानी सिंगल ट्रबल। तो इस तरह से हमको तीन ट्रबल लेना है, 1, 2, ये हमारे तीन ट्रबल बन गए हैं। अब हम एक चैन लेंगे और जहाँ झुक रहा है इस तरह से वहाँ से ऐसा इसे निकाल लेंगे। ये डिज़ाइन को शेल कहते हैं, ये मक्खी भी कहते हैं और शेल भी कहते हैं। ये बहुत खूबसूरत लगती है। देखिए मैं आप लोगों को वापस बताती हूँ, थोड़ा दूर से 1, 2, 3, तीन चैन लेना है। और अब ये जो हमारा ये जो गैप है ये शेल का, उसके अंदर से इस तरह से 1, 2 बार निकालना है, यानी एक ट्रबल हो गया ये। अब वापस उसी तरह से करेंगे, 1, 2, इस तरह से हमें तीन बार करना है और एक चैन लेनी है। फिर जहाँ हमारी क्रोशिया झुक रही है यानी ज़्यादा दूर भी नहीं, ज़्यादा नज़दीक भी नहीं, ये एकदम ही इजी और सिंपल है। जिन लोगों को क्रोशिया पकड़ने नहीं आता है वो भी इसे बनाएंगे तो इजीली बना लेंगे। इस तरह से पूरी डिज़ाइन ये बनती है, दुपट्टे पे, कमीज़ पे, दामन पे, स्लीव्स पे, जो हमारी कमीज़ की चाक होती है उस पे। मैं थोड़ा अभी आप लोगों को और बताती हूँ। एक देखिए, तीन चैन लेना, 1, 2, 3। तीन चैन लेने के बाद ये जो गैप है उसमें से हमें तीन बार ट्रबल निकालना है, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ये बन गया है तीन बार। अब हम इसे एक चैन लेके जहाँ झुक रहा है वहाँ से इसे डीसी कहते हैं, डायरेक्ट निकालना, इस तरह से बनाना है। ये देखिए मैंने इतना बना ली हूँ। अब मैं आपको इसे एंड करने का बताऊँगी, यानी ख़त्म किस तरह किया जाता है। तो ख़त्म करने के लिए सबसे पहले मैं 1, 2, 3 एक शेल और बना लूँ, फिर मैं आप लोगों को एंड बताऊँगी इसका। 1, 2, 3 एक चैन लेके
अब इसे हमें ख़त्म करने के लिए एक चैन लेना है, दो चैन लेना है और इस तरह से धागा बढ़ा के इस तरह काट के इसे निकालना है और इसे टाइट करना है। ये हमारा एंड हो गया है। ये बहुत ही खूबसूरत लगती है, बारीक सी डिज़ाइन लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करना।